हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन्स की। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स तो वो प्रोटीन है जो ब्लड के प्लाज्मिड एरिया में प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम उसको प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। एक्चुअली में प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो आपके मेजरली तीन टाइप के हैं। पहला जो है उसको बोलेंगे हम अल्ब्यूमिन, ठीक। दूसरा जो है उसको बोल देंगे हम ग्लोबुलिन, और तीसरा जो है उसको बोल देंगे हम फाइब्रिनोजेन। ये तीन टाइप के आपके प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। इसमें से आपका जो अल्ब्यूमिन है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 54%, सबसे ज़्यादा होता है ये। उसके बाद नंबर आता है ग्लोबुलिन का जो कि आपका 38% होता है, और उसके बाद नंबर आता है फाइब्रिनोजेन का वो जो कि अप्रोक्सीमेटली 7% होता है। इसमें से अल्बुमिन का तो कोई टाइप नहीं, फाइब्रिनोजन का भी कोई टाइप नहीं, लेकिन आपका जो ग्लोबुलिन है इसके आपके तीन टाइप पड़ जाते हैं, ठीक है। ग्लोबुलिन के तीन टाइप, एक को बोला गया है अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरे को बोला गया है बीटा ग्लोबुलिन, और तीसरे को बोला गया है गामा। इस टाइप से जो है आपके तीन टाइप के जो है ग्लोबुलिन है। तो एक एक करके हम तीनों की प्रॉपर्टी को देखेंगे कि तीनों में क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे अल्ब्यूमिन से, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है अल्ब्यूमिन। तो सबसे पहला पॉइंट कि इट इज़ मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, पीपी लिख रहा हूँ मैं प्लाज्मा प्रोटीन को। इसकी सिंथेसिस जो है वो होती है लीवर में, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय लीवर। अब इसका जो काम है, मेजरली इसका काम जो है इट सर्व एज अ बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो है बाइंडिंग प्रोटीन की तरह सर्व करता है, तो सर्व एज बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो दूसरे कंपोनेंट के साथ बाइंड होके उनको जो है यहाँ से वहाँ लेकर जाने का या उनके ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये किस किस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, तो वो जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर व्हीकल फॉर फैटी एसिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन और फैटी एसिड के लिए ये व्हीकल्स का काम करते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो आपका लिपिड, मतलब ये फैटी एसिड बोलो या स्टेरॉयड बोलो, दे आर अल्टीमेटली लिपिड इन नेचर। तो लिपिड जो है इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, करेक्ट, हाइड्रोफोबिक होता है। और दूसरा जो हमारा अल्ब्यूमिन है ये आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, क्योंकि वो प्रोटीन है ना, हाइड्रोफिलिक। अब इसके बाद जो इनका कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है अल्टीमेटली में इस कॉम्प्लेक्स में ये जो हाइड्रोफिलिक नेचर है वो आता है, जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा लिपिड और अल्ब्यूमिन का, इट कैन रिमेन इन द वॉटरी प्लाज्मा, सो इनेबल्स ट्रांसपोर्ट इन वॉटरी प्लाज्मा। तो जो आपका वॉटरी प्लाज्मा है उसमें लिपिड जो है एज सच आसानी से रह नहीं सकता, तो अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होके उसमें कुछ हाइड्रोफिलिक नेचर आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा पार्ट में रह पाता है और उसमें ट्रांसपोर्ट हो पाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका, अगर इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो जैसे पहला तो हो गया कि ये व्हीकल का काम कर रहा है, दूसरा इट आल्सो कंट्रीब्यूटर टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, तो उसको समझने का ट्राई करेंगे हम अभी थोड़ी देर में। तो एक्चुअली में इस ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटली से क्या होता है कि इट होल्ड्स
वाटर, इट होल्ड्स वाटर इनसाइड ब्लड वेसल, इनसाइड ब्लड वेसल. सेकेंड थिंग जो है एंड ड्रॉज, ड्रॉ वाटर फ्रॉम टिश्यू. अब एक तो ये टिश्यू से वाटर को निकाल भी लेता है, साथ में वाटर को ब्लड वेसल के अंदर होल्ड करने का भी काम करता है. ये दोनों इसके फंक्शन की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ये दोनों जो है ये मेंटेन हो पाते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको ट्राई करते हैं कि कैसे अल्ब्यूमिन जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है. तो मान लीजिए ये आपका इस टाइप से एक ब्लड वेसल है. ठीक है, इसके आसपास में यहाँ पर आपकी जो है टिश्यू एरिया है. ठीक है, ये हो गया आपका टिश्यू और ये हो गया आपका इसके अंदर में ब्लड. अब जब इसके अंदर में आपके ये प्लाज्मा प्रोटीन्स मतलब कि अल्ब्यूमिन है, तो अल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन ये आपका ब्लड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द दिस टिश्यू एरिया. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है, वाटर आपका यहाँ से यहाँ मूव होता है एज पर द रूल ऑफ ऑस्मोसिस. तो ये क्या है, ये वाटर का मूवमेंट. तो ये आपका ड्रॉ वाटर फ्रॉम द टिश्यू. साथ साथ में इसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो अल्ब्यूमिन है ये आपके वाटर को इसी ब्लड वेसल के अंदर में होल्ड करके रखता है. और अब वाटर ज़्यादा रहेगा ब्लड वॉल्यूम में, ब्लड में, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका वॉल्यूम जो है वो मेंटेन होगा, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन होगा, और साथ में ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन होगा तो ब्लड प्रेशर भी आसानी से मेंटेन हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंड आपके प्लाज्मा प्रोटीन की, जिसका नाम है ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन जो है मैंने बताया तीन टाइप के हैं, अल्फा बीटा और गामा ग्लोबुलिन. उसमें से जो अल्फा एंड बीटा, ये दोनों जो ग्लोबुलिन्स है, ये दोनों ग्लोबुलिन्स जो है दे ट्रांसपोर्ट आयरन, लिपिड एंड फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स. फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स आयरन लिपिड को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं. फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स कौन कौन से, तो इसमें आपका आता है ए डी ई के, विटामिन ए डी ई एंड के टू द सेल्स, सेल्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, साथ साथ में अल्ब्यूमिन जैसा ही ये दोनों जो ग्लोबुलिन है अल्फा और बीटा, इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. ओके, अब बच गया ये आपका गामा ग्लोबुलिन. तो जो गामा ग्लोबुलिन है ये थोड़ा सा इन दोनों से अलग है. अलग कैसे है, अलग इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि ये इन्वॉल्व रहता है इम्यूनिटी में, तो इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी. और इम्यूनिटी की लैंग्वेज में इसको जो है बेटर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, या इसको एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब ये आपका अल्ब्यूमिन जो है वो लीवर में बनता है. ठीक है, लेकिन ग्लोबुलिन्स जो है, ग्लोबुलिन्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड लीकोसाइट. ठीक है, ग्लोबुलिन आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड ल्यूकोसाइट्स विच आर कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल्स.
तो इनको बनाता कौन है? प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ये एक पॉइंट। अब उसके बाद लास्ट बच गया आपका फाइब्रिनोजेन, तीसरा हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइब्रिनोजेन। तो ये जो फाइब्रिनोजेन है, इट इज प्रोड्यूस बाय लीवर। सबसे पहली बात तो ये लीवर में बनता है, जैसा आपका अल्ब्यूमिन बनता है, प्रोड्यूस बाय लीवर। और ये जो है मेजरली इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इसको डिटेल में जो है हम जब आपका ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो फाइब्रिनोजेन को हम डिटेल में लेंगे। फिलहाल प्लाज्मा प्रोटीन के अकाउंट में इतना ही। ओके, थैंक यू।